हाय फ्रेंड्स, मैं मानसी, प्लांट लवर, आपकी दोस्त। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट हैं प्यारे प्यारे, और जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा आज का गार्डनिंग वर्क है। मैंने इतने प्लांट को आज नहला धुला के अच्छे से उनको तैयार किया है दोस्तों, और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर है और शायद आज 11 तारीख है, तो ठंड काफ़ी हो गई है दोस्तों। तो ठंड में सभी को लगता है ऐसे कि बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए, ना इनको नहलाना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको नहलाना भी है, पानी भी देना है, मगर गर्मी की तुलना में, अपेक्षा में बहुत ही कम। जैसे गर्मी में आप हफ्ते में करते थे, इसमें आप 15 दिन में करिए, मगर एक बार ज़रूर अच्छे से शावरिंग कर दीजिए और इनको नहला दीजिए। देख ही सकते हैं दोस्तों, ये बुद्धा प्लांटर है और ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है। इसको भी मैंने वॉश कर दिया अच्छे से ना, और ये भी बुद्धा प्लांटर, इसमें भी स्नेक प्लांट है। ये एक सेरामिक पॉट में स्नेक प्लांट है, सब अलग अलग वैरायटी की है। ये ऐसे ही नर्सरी पॉट में एक वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, ये वाइट पॉट में वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, और ये ब्लैक पॉट में। सब मैंने खुद से ही लगाया हुआ है, नर्सरी से लाती हूँ, हमेशा डिवाइड करती हूँ, कुछ करती हूँ ऐसे कर करके। ये देखिए सेरामिक पॉट में है, और ये प्लास्टिक पॉट में। वे ये वेंटिंग जीव कप है, इसे मैं कटिंग से ग्रो की हूँ। ये भी स्नेक प्लांट है। ये देखिए छोटी सी पॉट में ये है लिपट लिली का प्लांट, और इसका मदर प्लांट इधर है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। और ये एक हैंगिंग बास्केट है जो टूट गई थी, कि बाहर टंगा हुआ था सीढ़ी में, किसी ने गिरा दिया, तोड़ दिया, तो मुझे पता नहीं किसने किया, तो मैं इसे अंदर ऐसे ला के रखी हूँ। और ये मेरा एलिफेंट का सेरामिक पॉट है, और इसमें भी मैंने स्नेक प्लांट लगाया है। और ये भी एक कटिंग से देखिए वाइट स्नेक प्लांट है, इसमें इस टाइप की प्लांट आ रही है नॉर्मल वाली। और देखिए दोस्तों, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ पोथोस प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ डेफिंग बाचिया है, ये भी डेफिंग बाचिया है, और ये पिंक सिंगोनियम, इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये ग्रीन सिंगोनियम है, इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये लिपट लिली है, देखिए काफ़ी सुंदर ग्रो कर रहा है, ये भी मैंने डिवाइड करके लगाया था, अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये मेरा स्मॉल वैरायटी वाली सिंगोनियम है, इसकी लीव्स देखिए कितनी प्यारी है। सबको मैं आज नहला धुला के सजा दी हूँ। और ये मेरा स्नो वाइट का एग्लोनिमा है, एग्लोनिमा का प्लांट है, इसे भी मैं बहुत अच्छे से नहा दी हूँ। और ये फिलोडेंड्रन है, आपका नियॉन फिलोडेंड्रन, इसे भी बहुत अच्छे से नहला दी हूँ, इस मॉस्टिक को भी नहला दी हूँ, दो है मेरे पास, दोनों को ही अच्छे से नहला दी हूँ। और रह गया ये एक वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, ये मिट्टी की छोटी सी पॉट में लगा रखी हूँ, ये ख़राब हो रहा था दोस्तों, इसीलिए मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करके लगाई, तो अब ये ठीक है, चल रहा है अच्छे से। तो कुल मिलाकर आज मैंने इतने सारे प्लांट का काम किया है, सबको नहला धुला के तैयार कर दी हूँ, है ना दोस्तों, कितना प्यारा प्यारा। आप भी करें अपने गार्डन को बीच बीच में क्लीन, इससे प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में सुविधा होती है, और इसके बाद इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसके साथ साथ आप इसके नीचे की जो प्लेट होती है उसको भी धो लिया करें, साफ कर लिया करें बीच बीच में। तो देखिए दोस्तों, आप भी अपने प्लांट को अच्छे से नहला धुला कर साफ़ सुथरा करके अच्छे से रखें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्त, फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।